दिल्ली लूट कांड में एक और नया खुलासा। 4 नहीं 6 अपराधी थे शामिल। 350 सीसीटीवी कैमरों से कैसे सुलझेगी ये मिस्ट्री। तारीख 24 जून 2023, दिन शनिवार, समय सुबह का वक्त, जगह दिल्ली का प्रगति मैदान टनल। ये वो दिन और समय था जब दिल्ली में एक ऐसी वारदात घटी जिसे देखने के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई, बल्कि दिल्ली पुलिस पर आम लोगों के साथ साथ दिल्ली के सीएम ने सवाल उठा डाले। ऐसे में पुलिस पर भी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रेशर था, बल्कि पुलिस ने इस लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस वक्त ये वारदात हुई थी उसका जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें तो सिर्फ 4 बदमाश ही नजर आ रहे हैं, तो पुलिस ने 5 बदमाशों को कैसे गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने खुद दावा किया है कि इस लूटपाट में 4 नहीं बल्कि 6 लोग शामिल थे। दरअसल चांदनी चौक स्थित ओमिया एंटरप्राइजेस के डिलीवरी एजेंट और उसका सहयोगी टैक्सी से गुरुग्राम जा रहे थे, तभी प्रगति मैदान टनल में बाइक पर आए बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक कैब को रोककर डिलीवरी एजेंट से 2 लाख रुपए लूट लिए थे। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, इसमें देखा जा सकता है कि कैसे बदमाश कार के आगे 2 बाइक लगाकर उन्हें रोकते हैं और बंदूक दिखाकर कार सवार डिलीवरी एजेंट से 2 लाख रुपए लूटकर फरार भी हो जाते हैं। वही मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी, बल्कि पुलिस के मुताबिक डिलीवरी एजेंट से लूट के मामले में बाइक सवार बदमाशों की पहचान के लिए 48 घंटे में 350 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। लेकिन पुलिस को आशंका है कि इस वारदात में 4 से ज्यादा बदमाश शामिल रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों की मॉडस ऑपरेंडी के बारे में भी पता चला था। पुलिस ने बताया कि संदेह है कि इस लूट में 4 नहीं बल्कि 6 लोग शामिल थे। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से 4 लोगों के शामिल होने का ही सिर्फ पता चलता है, लेकिन अब तक जांच में सामने आया है कि किसी के निर्देश पर इन बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया था, और इन लोगों को निर्देश देने वाला व्यक्ति अंदरूनी भी हो सकता है जिसे पता था कि उस दिन डिलीवरी एजेंट के पास कैश था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार बदमाश कार का पीछा करते हुए आते हैं और उसके आगे आकर कैब को रोक भी लेते हैं। इसके बाद दोनों बाइक पर पीछे की सीट पर बैठे बदमाश उतरते हैं, उनमें से एक पिस्टल दिखाते हुए ड्राइवर की ओर बढ़ता भी है, जबकि दूसरा कार के पिछले दरवाजे के पास जाता है। तभी कार में पीछे बैठा शख्स दरवाजा खोलकर पैसों से भरा बैग बदमाशों को सौंप भी देता है। इसके बाद चारों बदमाश बाइक से भाग भी आसानी से जाते हैं। इसी सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस ने दावा किया है कि इस पूरी वारदात में 6 लोग शामिल थे, और पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी दावा कर रही है कि अभी एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश लगातार जारी है और आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।